सर बताइए, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव किया गया था, आपको क्या लगता है कि ये घेराव कामयाब हुआ है, सक्सेसफुली हुआ? देखो, उनको उनको एक चेतावनी देना था कि आप लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हो तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो हेडक्वार्टर को छोड़कर भाग जाना क्या इस बात का सबूत नहीं कि जो चेतावनी देने का हमारा मकसद था वो पूरा हो गया? मारकाट तो करना नहीं था, हम लोगों को एक उनको मैसेज देना था कि तुम जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हो वो तुम्हारी बदमाशी हमें समझ में आ गई है और हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये अभी तो चेतावनी दे के छोड़ रहे, आगे क्या करने वाला है? आगे तो 2030 तक तैयारी कर रहे हैं, हमारे आजादी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, गुलाम बना के रखने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, आप गुलाम हैं, आजादी की तैयारी जो कर रहे हैं? वामन मेश्राम को तो गुलाम बना के रखना संभव नहीं है ना, मगर वामन मेश्राम का मतलब ये थोड़ी है कि सारी प्रजा, मेरी जो प्रजा है, मेरे जो एमएलए है, मेरे जाति बिरादरी के जो एमएलए है, एमपी है, उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया था भाई। एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। बोलने की आजादी ना होना गुलामी का सबूत है। अरे आम आदमी की तो दूर की बात है, इलेक्टेड एमएलए और एमपी को बोलने नहीं दिया जाता। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के हर 5 साल में चुनकर जाते हैं और 1000 से ज्यादा एमएलए जो है रिजर्व सीट पर विधानसभा में चुनकर जाते हैं। जब इतने ज्यादा लोग चुनकर जाते हैं तो कभी हमारे एमएलए एमपी को बोलते हुए देखा? कभी अखबार में उसका कोई बयान छप के आया? सर आप आरएसएस के इतना अगेंस्ट क्यों हैं? वजह क्या है, क्या वजुहात की बिना पर? अखबार अखबार वाले में वो लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी है, आरएसएस वाले राष्ट्रवादी है, जिनका डीएनए विदेशी है, अंग्रेज का भी डीएनए विदेशी था, तो इन्हीं ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को कहा कि तुम विदेशी हो इसलिए तुमको देश पर राज करने का अधिकार नहीं है। तो डीएनए कहता है ब्राह्मण भी विदेशी है, तो उसी सिद्धांत के अनुसार जो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के लिए लागू किया था उसी सिद्धांत के अनुसार अगर विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, डीएनए कहता है ब्राह्मण विदेशी है, तो ब्राह्मण को भारत पर राज करने का अधिकार किस आधार पर? भाजपा किसने बनाई? आरएसएस ने। आरएसएस किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। नरेंद्र मोदी तो आरएसएस का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो राज तो वास्तविक आरएसएस का है, आरएसएस का मतलब ब्राह्मणों का है, क्यों मानेंगे हम? ये सिद्धांत की बात है। आरएसएस के जो ब्राह्मण है उनकी खेती, वामन मेश्राम की खेती लगी लगी है क्या? मेरे ढोर डंगर उनके खेती में जाके चर रहे, उनके ढोर डंगर मेरे खेती में आके चर रहे, इसकी वजह से वामन मेश्राम का और मोहन भागवत का झगड़ा चल रहा है। ऐसा कोई झगड़ा है? मोहन भागवत की बात भी खेती नहीं है, वामन मेश्राम की बात भी कोई खेती नहीं है। तो ये झगड़ा निजी नहीं है, ये झगड़ा सिद्धांत का है कि अगर अंग्रेजों के लिए विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है तो विदेशी ब्राह्मणों को भारत पर राज करने का अधिकार कैसे है? सिद्धांत की लड़ाई है, निजी झगड़ा थोड़ी है। और कर्नाटक में आने वाले साल में इलेक्शन है, तो आपकी क्या आपकी तंजीम की आपके बीजेपी के लोगों को यूनाइटेड फ्रंट बनाकर हरवाया जा सकता है? ऑल अपोजिशन के लोगों को यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए, यूनाइटेड फ्रंट बनाने वाले लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद देने के तैयार हूं। सेकुलर गवर्नमेंट कर्नाटक में बननी चाहिए। सर मूल निवासी वर्सेस आरएसएस ऐसा पे फाइट चल रहा है, और कर्नाटक भी और जारकी सतीश जारकीहोली एमएलए बेलगांव से एक इशू हो गया, तुम भी नेशनल लेवल पे भी ऐसा इशू होता है, सो जारकीहोली वो स्टेटमेंट हुआ वो मनुवादी, बहुत लोग ऑब्जेक्शन करता है, मोदी का नहीं ऑब्जेक्शन करता है ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी बोलते हैं क्या? जारकीहोली जो है वो गलत जगह पर है,
वो जिस घर में रह रहा है उस घर के लोग ही बोल रहे तुमसे हमसे मत नहीं। मनुवादी बाहर के लोग तो दूर है। डीके शिव कुमार ही बोल रहा है कि तुमसे सहमत नहीं, फिर भी वो कांग्रेस में बना हुआ है, उसको अगर थोड़ी इज्जत है यार थोड़ी को तो इस्तीफा दे, आ जाए मेरे साथ मिलकर लो, क्योंकि कांग्रेस में रहकर उसने बयान दिया और कांग्रेस वाले उसकी बात नहीं मान रहे। अभी मेरे पास सबूत है, उसको चाहिए तो मेरे से ले लेना। दयानंद सरस्वती है ना ब्राह्मण, गुजरात का टंगारा गांव, उसने लिख कर कि ये हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, लिख के रखा मेरे पास किताब है दयानंद सरस्वती का, किताब है मेरे पास। अभी का बहुत मुस्लिम कर्नाटक में कांग्रेस के साथ चलता है और बीजेपी को वोट डाल दिया लास्ट एमपी इलेक्शन में, वही इलेक्शन में वो कैंडिडेट हमारा है ऐसे बोलता है, बीजेपी कैंडिडेट को ये हमारा कैंडिडेट है ऐसे बोलता है, उन लोगों को कैसे क्या बोलना चाहिए? अब वो मुस्लिम लोग अपना फैसला बनाकर ऐसा कर रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो ये सवाल भी उनको ही पूछना चाहिए, मेरे को भी पूछो वो गलती कर रहे हैं, सवाल मेरे को पूछ रहे हैं, मैंने कौन सी गलती की जो सवाल पूछ रहे हो मेरे को? सीएम इब्राहिम ये मुस्लिम लीडर वो बोलता है हम भी वो जारकीहोली वो मुस्लिम लीडर कर्नाटक में वो ये माइनॉरिटी बिल लेके आ गया, वो पावर जाने लेने के वो जेडीएस गया, वो बोलता है जारकीहोली गलत बोलता है, सीएम इब्राहिम एक मुस्लिम लीडर माइनॉरिटी लीडर है बोलता है जारकीहोली गलत। तो मालूम है मुसलमानों के वोटों से कुछ कर नहीं आ सकता, तो दूसरे लोगों के वोट लेना पड़ेगा, दूसरे लोगों को नाराज करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए सीएम इब्राहिम ऐसा बोल रहा है। सर आप मजबूरी है, सर आप केजरीवाल के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है हिंदुत्व की तरफ जा रही है, केजरीवाल केजरीवाल बोल रहा है कि लक्ष्मी का चित्र जो है रुपए पर छापना चाहिए, गांधी जी का हटाना चाहिए है? तो आपको क्या लगता है? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग विश्व हिंदू परिषद से केजरीवाल अलग कैसे? वही थैले का चट्टा बट्टा है, है? उसका और उसका क्या अलग है, एक जैसी बोली बोल रहा है, अलग अलग तो बोली लगती नहीं है आपकी। आपको अच्छा, वो क्या कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं ईमानदार, केवल ईमानदार होने से थोड़ी देश चले, आइडियोलॉजिकल पॉलिसी चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए एक पॉलिसी चाहिए। जहां तक आइडियोलॉजी और पॉलिसी का सवाल है, बीजेपी से उसकी आइडियोलॉजी अलग कैसे? हमें तो नहीं लगता उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी आरएसएस से अलग है, बल्कि बहुत सारे बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं केजरीवाल अच्छा आदमी, हमें समझ नहीं आता साला आरएसएस के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब आरएसएस के लोग केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर तो कुछ तो मामला हो, कुछ गड़बड़ वाला मामला है, तो सोचने वाली बात है। आपको भी मैं आरएसएस वाला हूं, बल्कि बोले तरह से पहले तो था एंटी रिजर्वेशन आंदोलन दिल्ली में, यूथ फॉर इक्वेलिटी वाला आंदोलन केजरीवाल ने तो शुरू किया था, वो रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन था, पता है दिल्ली में यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम का संगठन बनाकर केजरीवाल ने आंदोलन किया था, वो रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन था। आप लोग पता नहीं, मैं तो दिल्ली में मेरा हेडक्वार्टर है। सर ये अंबेडकर UAPA ऐसे एजेंसी केस डालता है, कैसे तो किस बात का केस डालता है? UAPA का केस डाल दिया बहुत लोग, ये तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, तो उस कानून को लागू करने का सरकार के पास अधिकार है, वो उसका मिसयूज करते हैं एक अलग बात, मगर कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया, पास गलत कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास होना नहीं चाहिए,
मगर उनका कहना क्या है, जिन्होंने कानून बनाया, यूएपी ये कानून बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया भैया। इनका क्या कहना है, उनका कहना है देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए कानून है। अब आतंकवाद के नाम पर किसी को भी ईमानदार को पकड़ लेते, ज्यादातर मुसलमान को पकड़ते, मुसलमानों के नौजवानों को पकड़ते, वो मुसलमानों के नौजवान आतंकवादी आंदोलन में शामिल भी नहीं होते फिर भी पकड़ते। जबकि 18 केसेस आरएसएस के ऊपर है, एक केस आरएसएस के ऊपर देशद्रोह का है, 2003 से 2020 तक 18 तक जो भारत में बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें आरएसएस का हाथ है। सर मुशरफ साहब का नाम सुना, वो आईजी महाराष्ट्र के, 3000 पेजेस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आरएसएस के विरुद्ध, 3000 पेज का, और आरएसएस पर देशद्रोह का एक मुकदमा भी चल रहा है। सर आजकल बुद्धिस्ट में ओबीसी के लोग बुद्धिस्ट में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं और आरएसएस परेशान, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, उनके बाप दादा का, ओबीसी के बाप दादा का धर्म ही बुद्धिस्ट था। ये बुद्धा की जाति क्या है, शाक्य, शाक्य कौन सी जाति, मंडल कमीशन में ओबीसी, उनके बाप दादा का ही धर्म था। अब उनको मालूम आज हो रहा है तो अब उनका मेरे बाप दादा का धर्म था उसमें जा रहे, अभी मालूम हो रहा उनको। सर जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर उसके खिलाफ काम करने के लिए कोई आगे बढ़ता नहीं है, जैसे ही कोई आवाज उठती है तो या तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या उसी तरह पूरी तरह उसे खत्म कर दिया जाता है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मुसलमान जमीनी लेवल पर काम करेगा तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे और कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी देश की मूल समस्या है, इनका इस्तेमाल करते आरएसएस के, अगर इनको जगाया जाए, इनको जोड़ा जाए, इनका संगठित शक्ति निर्माण किया जाए तो इनका इस्तेमाल ही आरएसएस के लोग कर नहीं पाएंगे मुसलमानों के खिलाफ, तो इनके जगने से मुसलमानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इनका ही तो इस्तेमाल होता है, कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर चढ़ के आता है, सुना आपने कभी? किसी ब्राह्मण ने मुसलमान के घर पर जाके पत्थर मारा, सुना कभी? किसी फसाद में ब्राह्मण मरा, सुना कभी? क्यों? वो दिमाग चलाते, प्लान बनाते घर में बैठे बैठे, एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के रूप में भड़काते हैं। तो समस्या तो एससी एसटी ओबीसी की है, इनको जगाने की, इनको जोड़ने की जरूरत है, ये बददिमाग लोग है 2000 साल के। लेकिन बताया जाता है कि ब्राह्मण लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस की बुनियाद डाली गई, लेकिन देखा जाता है कि पीएम ब्राह्मणिज्म से नहीं है, होम मिनिस्ट्री उसके लेवल पे नहीं है, तो क्या प्लान होगा? ये तो रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं ना, सामने देखो होता क्या है कि जो अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ लोग होते हैं वो आंखों से काम लेते हैं, बुद्धिमान लोग दिमाग से काम लेते हैं। तो हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाले लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, आंखें होती है, तो आंखों से कहते अरे हमारा बैकवर्ड आदमी है नरेंद्र मोदी, वो सड़ी के साले पर दिमाग देखने से ही गधे बन जाते हैं। तो अनपढ़ गवार आदमी आंखों से काम लेता है और ब्राह्मण जैसा आदमी दिमाग से काम लेता है। क्यों? पढ़ा लिखा है, 2000 साल से पढ़ रहा है, ये 2000 साल से आपकी भाषा में जाहिल बना के रखा हुआ है। अनपढ़ गवार साला बहुत छोटा शब्द है, आप लोगों का शब्द है जाहिल, जाहिल बढ़िया शब्द है, जाहिल बना के रखा हुआ है। नहीं, ये जो बातें कही जा रही है इन ग्राउंड लेवल पे उठाने वाला नहीं है, और जैसे ही कोई आवाज उठती है दबा दिया जाता है, सोल्यूशन क्या होगा उसका? हम लोग उठा रहे हैं, 3.5 लाख लोग नागपुर में लोग आए आकाश से टपके, क्या जमीन से ही तो आके चले गए? वाह, ये 567 जिलों से लोग वहां आए, वो जिलों में काम कर रहे तब तो आए थे एक बार, तो हमारा पब्लिसिटी में कोई अखबार खबर नहीं छापता। क्यों? भारत में जितने चैन अखबार है सारे ब्राह्मण बनिया चला आरएसएस के समर्थक है, ब्राह्मण पत्रकार है, बनिया मालिक है, वामन मेजराम की खबर ही आउट,
ये तो नागपुर के आंदोलन को मजबूर होकर 14 चैनल के लोगों ने दिखाया। जब मैंने वहां ठोकने के लिए गया ना हेडक्वार्टर पर, तब उनको लगा साले खबर तो देना पड़ेगा भाई, नहीं तो उनके लोग अंजाने में रहेंगे, इधर ठोक लेगा वामन मेजराम, बताना पड़ेगा कि वामन मेजराम ठोकने के लिए आया। सर आपको धमकाया जाता है, आपके कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, और कई मरतबा सुनने आता है कि बाबू सेठ को बैन कर दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बैन होगी? वाम सेफ को बैन करने से ज़्यादा फायदा होगा। वामन मेश्राम का दिमाग आम्बेडकर के दिमाग से चलता है। PFI थोड़ी है वाम सेफ, हैं? वाम सेफ PFI नहीं है। क्यों? क्योंकि वाम सेफ मुसलमानों का संगठन नहीं है, जिन लोगों के भरोसे पर BJP दिल्ली में आती है ना, उन्हीं लोगों का संगठन है। अगर वो लोग जाग गए तो उनको ही ठिकाने लगा सकते हैं। तो इसका सबूत है 3-3.5 लाख लोग नागपुर में गए, आकाश से आए क्या? वही तो लोग हैं, यही तो SC ST OBC के लोगों ने दिल्ली में पहुंचाया BJP को। इनके ही विरोध में फतवा दे देंगे तो बंदोबस्त गांव में कौन करेंगे? यही तो लोग करेंगे। अरे एक गांव में एक ब्राह्मण का घर होता है मौलाना, पता है? मैं तो गांव देहात का आदमी हूं ना, ये गांव में एक ही घर होता है, रहेगा हमारी मर्जी पे साले, हमारा पैसे से तो चलता उसका घर। SC ST OBC का धर्म कार्य करता है तो ब्राह्मण का चूल्हा जलता है। तो नागपुर में जो तहरीक उठी थी आपकी, क्या इसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? अभी समझा है नहीं कि ये 6 लाख गाँव में 2030 तक पहुँच जाएगा, ये हमारा संकल्प है। है सर, फ्यूचर प्लान? ये संकल्प है कि 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा। और कैसे बनेगा? मुसलमान साथ दे तो भी बनेगा, नहीं साथ दे तो भी बनेगा, क्योंकि मूल संगठन बनाना है SC ST OBC का। ये इनको गधा बनाया हुआ है, SC ST OBC ब्राह्मण ने इनको गधा बनाया हुआ, इनका ही दिमाग ठीक करना है। इनका दिमाग ठीक हो गया, मुसलमान तो पहले से जगे हुए हैं। मुसलमान तो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग है, मुसलमानों को जगाने की जरूरत नहीं, वो जगे हुए ही है। समस्या SC ST OBC के जाहिर होने की है, इनको जगाने का मामला है।